फर्स्ट ट्रेमेस्टर का जो टाइम होता है उसमें बच्चे का साइज़ बहुत ही छोटा होता है एंड आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा नहीं होती है। तो पहले ज़माने में बोलते थे कि अब आप प्रेग्नेंट हो, अब आपको दो जनों के लिए खाना है, बट ऐसा नहीं है। फर्स्ट ट्रेमेस्टर में आपको नॉर्मल ही खाना है जितना आप पहले खाते थे, और बहुत केसेस में ऐसा होगा कि आपका वेट गेन नहीं होगा, विच इज़ ओके। कई बार आपका वेट लॉस भी हो जाता है क्योंकि आपको नौशिया हो रहा होता है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा होता। तो अगर आप नॉर्मल अपना न्यूट्रिशन मेंटेन कर रहे हैं, अपना हाइड्रेशन मेंटेन कर रहे हैं, आप लिक्विड इनटेक आपका ठीक है, आप डिहाइड्रेट नहीं हो रहे हो, आप अपना कुछ कुछ खाते जा रहे हो, अपना वेट मेंटेन कर रहे हो, दैट इज़ ओके। बच्चे की ज़्यादातर ग्रोथ सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में होती है, तो उस समय हमको प्रोटीन इनटेक और अपना वेट गेन का ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो फर्स्ट ट्रेमेस्टर में आधा एक किलो कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर एक्सेसिव वेट लॉस हो रहा हो मुझे वो ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि दैट मीन्स आप इतनी उल्टियाँ कर रहे हो कि आप कुछ खा नहीं पा रहे हो। बट अगर वेट गेन नहीं हुआ है, दैट इज़ स्टिल एक्सेप्टेबल।